हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 12 के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा 1911 की चीनी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। 1911 ईस्वी की क्रांति चीन के निवासियों के असंतोष का परिणाम था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में चीन में मंचू विरोधी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। क्रांति के नेता मंचू राजतंत्र को समाप्त कर संवैधानिक शासन की स्थापना करना चाहते थे। कुछ शासन निरंतरता और विदेशी शोषण से चीन के निवासियों असंतुष्ट थे। उनका विश्वास था कि विदेशियों के प्रभाव को समाप्त किए बिना चीन में सुधार संभव नहीं था। वे मंचू शासन को भी अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे थे, हेतु विदेशियों के प्रभुत्व को समाप्त करने एवं मंचू शासन की सत्ता को हटाने के लिए उन्होंने संगठन बनाना प्रारंभ किया। ताइपिंग विद्रोह और बक्सर विद्रोह इसी दिशा में प्रयास थे। यद्यपि विद्रोह असफल हो गया, फिर भी इसे चीन के निवासियों में उत्साह का संचार हुआ और इसके भी व्यक्ति 1911 ईस्वी की क्रांति में हुई। इस क्रांति में मंचू शासन के भग्न अवशेष पर चीन में गणतंत्र की नींव रखी। क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण, जनसंख्या में वृद्धि। चीन के समक्ष सर्वाधिक विषम समस्या जनसंख्या की वृद्धि थी। यह चीन के लिए अभिशाप थी और यही चीन के आंदोलन का प्रमुख कारण भी था। बढ़ती हुई आबादी को सरकार खिलाने में असमर्थ थी। पुरानी कृषि व्यवस्था, उद्योग धंधों का अभाव और शासन में भ्रष्टाचार के कारण खाद्य समस्या गंभीर हो गया थे। भोजन, आवास और जीवन निर्वाह की समस्या हर समय प्रत्येक चीनी नागरिक को घेरे रहती थी। सूखा, बाढ़ और महामारी जैसी दैवीय विपत्तियां इस समस्या को और गंभीर बना देती थी। जीविका निर्वाह के साधनों के अभाव के कारण असंतोष और विद्रोह की भावना पनप रही थी। प्राकृतिक प्रकोपों ने समस्या को और भी गंभीर बना दिया था। 1910 से 11 ईस्वी के बाढ़ का भीषण प्रभाव प्रांतों पर पड़ा था। शांतुंग, चेकियांग, कियांगसी और हपे प्रांतों के निवासी अकाल और महामारी से तबाह हो गए थे। इस समय भी सरकार ने अकाल पीड़ितों के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया। इससे असंतोष उत्पन्न हुआ जिसने आगे चलकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया। शासन की दुर्बलता ने विद्रोह को अवश्यम्भावी भी बना दिया था। आजीविका की तलाश में बड़ी संख्या में चीन के निवासी मंचूरिया में बस गए थे, लेकिन इससे जनसंख्या की समस्या सुलझ नहीं सकी। बड़ी संख्या में चीन के निवासी जीविका निर्वाह के लिए अमेरिका और मकाओ गए, किंतु शीघ्र ही अमेरिका में चीनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद हवाई द्वीप, फिलिस्तीन, मलाया, सिंगापुर और कनाडा में भी चीन के निवासी बसे। क्रांति का विस्फोट होने पर इन प्रवासी चीनियों ने उदारता से धन देकर क्रांति में वास्तविक सहयोग दिया था। दूसरा, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था। 1900 ईस्वी के बाद केंद्रीय शासन पर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ गया था। नवीन सेनाओं के गठन, नवीन रेल मार्गों के निर्माण और नवीन शिक्षा पद्धति पर अपार धन खर्च किया गया था। चीन जापान युद्ध और बॉक्सर युद्ध का प्रभाव भी चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। सीमा शुल्क और अन्य स्रोतों से उपलब्ध आय से सरकार का काम नहीं चल रहा था। फलतः व्यय की पूर्ति के लिए नए कर की घोषणा की गई। कर भार में वृद्धि के फलस्वरूप मंचू शासन के विरुद्ध असंतोष अग्रतर हो गया। तीसरा, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। मंचू सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रांतों पर केंद्र की सत्ता में वृद्धि से भी असंतोष उम्र हो गया था। स्थानीय निकायों के विशेषाधिकारों और परंपरागत अधिकारों के अतिक्रमण का प्रांतीय नौकरशाही और सामान्य जनों ने विरोध किया। मंचू सुचार कार्यक्रम में ऐसी प्रगति से राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का उद्देश्य रखा गया था जो राष्ट्र की प्रभुसत्ता को बनाए रख सकता था तथा विदेशियों की घुसपैठ से भी उसकी रक्षा कर सकती थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रांतों के स्वशासन को बहुत अंशों में त्यागना आवश्यक था, किंतु प्रांतों में निहित स्वार्थों के कारण प्रांतीय अधिकारों परंपरागत अधिकारों को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। या केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का पुराना विवाद था और चीन का बहुमत विकेंद्रीकरण के पक्ष में था। चौथा, डॉक्टर
सन्यास सेन के दर्शन। 1911 ईस्वी की क्रांति के पीछे डॉक्टर सन्यास सेन ने अपना संपूर्ण जीवन क्रांतिकारी संगठन और विचारधारा के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। वे साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधी, देवी अधिकारों के कट्टु आलोचक और जनतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उनके नेतृत्व में चीन में विद्रोह की पहली चिंगारी फूटी और क्रांतिकारी विचारधारा के प्रचारक होने के आरोप में उन्हें देश छोड़कर जापान में रहना पड़ा, परंतु उनके विचार चीनी जनता में फैल चुके थे। उनका विचार था कि जन जन में क्रांति की भावना जागृत कर साम्राज्यवादी नींव हिलाकर ही सच्चे अर्थ में गणतंत्रीय शासन की स्थापना की जा सकती है। उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर ही चीन में 1906 ईस्वी और 1910 ईस्वी में विद्रोह हुए। वास्तव में 1911 ईस्वी की क्रांति के नायक डॉक्टर सन्यास सेन थे। क्रांतिकारी दलों का संगठन एवं सहयोग। चीन ने विदेशी साम्राज्यवाद और मंचू सरकार की आक्रमणीयता के प्रति घृणा और विद्रोह की भावना में अनेक क्रांतिकारी संगठनों को जन्म दिया। इस दिशा में नेतृत्व प्रदान करने का काम डॉक्टर सन्यास सेन ने किया। उसकी प्रेरणा से चीन में गुप्त समितियों की स्थापना की गई और टोक्यो में उन्होंने एक ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की स्थापना की। चीनी छात्रों का एक क्रांतिकारी संगठन कायम किया गया जिसका नाम तुंगमिंग वी था। इसकी शाखा प्रत्येक नगर में खोली गई और इस संगठन ने शीघ्र ही चीन में लोकप्रियता प्राप्त कर ली। क्रांतिकारी संगठनों का मुख्य उद्देश्य विदेशी साम्राज्यवाद को नष्ट करना, मंचू सरकार का खात्मा, भूमि का राष्ट्रीयकरण एवं चीन में गणतंत्र की स्थापना करना था। कांग यू वेई ने भी चार गुप्त समितियों की स्थापना की थी। वे थी लर्न टू बी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, ह्यूमेन सोसाइटी, राष्ट्र मुक्ति सोसाइटी और कैंगसी सोसाइटी। कांग यू वेई की विचारधारा का भी जनता पर गहरा असर हुआ। विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों ने परस्पर सहयोग की नीति अपनाकर चीन में राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया। संचार, परिवहन एवं समाचार पत्रों की भूमिका। चीन में रेलवे, टेलीग्राफ, सड़क, पुल आदि के निर्माण से यातायात के साधन उन्नत हो गए। एक छोर से दूसरे छोर तक आना जाना तथा विचारों का आदान प्रदान आसान हो गया। यातायात के इन साधनों से विशाल चीनी साम्राज्यों में क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में सहायता मिली। समाचार पत्रों के प्रशासन से भी क्रांतिकारी भावना को उभरने में सहायता मिली। पुस्तकों और समाचार पत्रों ने क्रांति के वाहक का काम किया। क्रांतिकारी एवं सुधारवादी समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई जिससे चीन के सामान्य जनता में नवीन एवं प्रगतिशील विचारों के प्रति जागृति उत्पन्न हुई। समाचार पत्रों में चीन के निवासियों का ध्यान देश की गिरी हुई अवस्था की आकृष्ट किया और स्पष्ट किया कि भ्रष्ट मंचू शासन को समाप्त किए बिना चीन का कल्याण संभव नहीं। मिन पाओ नामक पत्रिकों ने लागू में नई भावना को विकसित करने और लोकतंत्रीय शासन की स्थापना करने के लिए आंदोलन करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रकार क्रांति के पक्ष में व्यापक जनमत तैयार करने में समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सुधारों की असफलता। चीन को क्रांति से बचाने के लिए शासन व्यवस्था में सुधार आवश्यक था, लेकिन चीन की सामग्री एवं प्रतिक्रियावादी शासिका थी। वह शासन व्यवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थी। उसकी प्रतिक्रियावादी नीति से लोगों को विश्वास हो गया था कि विदेशी शासन से देश की रक्षा के लिए मंचू शासन का अंत कर एक क्रांतिकारी सरकार की स्थापना आवश्यक है। बॉक्सर विद्रोह के बाद चीन में सुधारों के लिए प्रयास किए गए थे। 1905 ईस्वी में पुराने शिक्षा पद्धति का अंत हो गया। सुधारवादी पश्चिमी तरीकों को अपनाकर चीन का उद्धार करना चाहते थे। चीन में सुधार आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। 1909 ईस्वी में प्रांतों में विधानसभाओं की स्थापना की गई थी। 1910 ईस्वी में संपूर्ण चीन के लिए राष्ट्रीय महासभा को स्थापना हुई। सुधारवादी चीन में संसदीय शासन और वैध राजसत्ता की स्थापना करना चाहते थे। यदि मंचू शासक संसदीय शासन की स्थापना कर देते तो संभवतः उनका शासन कायम रहता, लेकिन मंचू शासक ने इस मांग को ठुकरा दिया। इस प्रकार शासकों की अविवेकपूर्ण नीति ने क्रांति को अशमावी बना दिया। पश्चात शिक्षा एवं संपर्क का प्रभाव। देश की जागृत युवा शक्ति क्रांति के वाहक का काम करती है। चीनियों में पश्चात शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोकतंत्रीय प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला।
फसल संपर्क से चीनी नवयुवकों में नवजागरण आया और यही नवजागरण 1911 ईस्वी की क्रांति का बौद्धिक आधार था। 1905 ईस्वी में प्राचीन परीक्षा पद्धति को समाप्ति के बाद चीन में राजकीय पदों पर नियुक्ति के लिए आधुनिक शिक्षा को महत्व दिए जाने लगा। चीनी जो यूरोप, अमेरिका और जापान में उच्च शिक्षा पाने के लिए जाने, यूरोप के उदारवाद, लोकतंत्रवाद और राष्ट्रवाद की विचारधाराओं से गए कि प्रभावित हुए थे। चीनी विद्यार्थी जब पाशा शिक्षा प्राप्त कर लौटते थे तो समकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट होकर क्रांतिकारी विचारधारा के प्रवाह में चल निकलते थे और प्राचीन कन्फ्यूशवादी व्यवस्था से संबंध विच्छेद कर लेते थे। वे क्रांतिकारी संगठनों में सम्मिलित हो जाते थे और गांवों तथा नगरों में क्रांति का संदेश घर घर पहुंचाते थे। इस प्रकार विद्यार्थी समुदाय के द्वारा चीन के अंदर क्रांतिकारी विचारों का प्रचार हुआ। इसी समय पश्चिमी लेखकों की कृतियों का अनुवाद चीनी भाषा में किया गया। डिकेंस, स्कॉट एवं बाल्जन के उपन्यासों का अनुवाद हुआ। टी एच हक्सले, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिले और मॉन्टेस्क्यू की रचनाओं का भी अनुवाद हुआ। नवीन विचारों का प्रभाव चीनियों पर पड़ा और वे क्रांति के लिए उतावले हो उठे। श्रामिक कारण रेलमार्ग निर्माण का प्रश्न। क्रांति का श्रामिक कारण रेलमार्ग राष्ट्रीयकरण का प्रश्न था। रेलों का निर्माण एवं संचालन के लिए विदेशियों से सहायता ली जाती थी और बदले में उन्हें सुविधाएं दी जाती थी। क्रांतिकारी केंद्र सरकार की रेलमार्ग नीति से असंतुष्ट थे। वे रेलमार्गों का निर्माण प्रांतीय आधार पर करना चाहते थे और विदेशी सहायता के स्थान पर स्वदेशी पूंजी का उपयोग चाहते थे। रेलमार्गों को कर्ज के बदले विदेशी बैंकों के पास बंधक रख दिया जाता था। क्रांतिकारियों और प्रांतीय अधिकारियों की ओर से इसका तीव्र विरोध हुआ। इस बीच हेंकाउ की रूसी बस्ती में 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी को आकस्मिक बम विस्फोट ने राष्ट्रव्यापी क्रांति का सूत्रपात कर दिया। 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति भूचक प्रांत में उन सैनिकों द्वारा प्रारंभ हुई जिनका नेता कर्नल युआन हुंग था। विद्रोह पूरे चीन में फैल गया। दक्षिण चीन में क्रांतिकारियों को जन सहयोग प्राप्त था। विद्रोहियों ने एक संगठित सरकार की सीधी स्थापना कर ली। संघाई में भी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई। मंचू सरकार के विदेश मंत्री फूतिंग फेंग ने विदेशों से सरकार को सहायता देने की अपील की, परंतु क्रांतिकारी सरकार द्वारा विदेशियों से तटस्थ रहने की अपील की गई। यह भी धमकी दी गई कि यदि कोई विदेशी राष्ट्र सहायता देने की तैयार हो जाएगा तो क्रांतिकारी सरकार विजयी होने पर उस कर्ज की रकम को बेच नहीं मानेंगी। ऐसी स्थिति में विदेशियों ने तटस्थ रहना ही अच्छा समझा। मंचू सरकार ने विद्रोह की घटनाओं से घबराकर युआन शोकई को हुपे और हुनान का गवर्नर नियुक्त किया गया। युआन शिकाई ने राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन बुलाकर विदेशी समर्थक अधिकारियों को पचयुदी देशभक्तों की रिहाई, उनके देश निकाले की सजा की माफी तथा शासन में सुधार लाने का प्रस्ताव पेश किया। मंचू सरकार को व्यवस्था में राष्ट्रीय महासभा की मांग स्वीकार करनी पड़ी और देश का नियंत्रण भी युआन शिकाई के हाथ सौंप देना पड़ा। प्रांतों के विद्रोह का मामला सबसे कठिन था। विद्रोह दबाकर चीन में शांति की स्थापना के लिए युआन शिकाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 8 नवंबर 1911 ईस्वी को युआन शिकाई ने अपना पद संभाला। हुआ मंचू राजवंश का समर्थक था और क्रांतिकारियों के से समझौते का विरोध किया और डॉक्टर सन्यास सेन के नेतृत्व में नानकिंग में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। इस प्रकार चीन में दो सरकारें हो गई, एक नानकिंग की गणतंत्र सरकार थी और दूसरी पेकिंग की मंचू सरकार। मंचू सरकार युआन शिकाई पर आश्रित थी। युआन शिकाई क्रांतिकारियों से युद्ध करने में समर्थ नहीं था, उसके पास शक्ति और साधन का अभाव था। दूसरी ओर क्रांतिकारी दल भी अधिक दिनों तक युद्ध चलाने की स्थिति में नहीं था। क्रांतिकारियों में एकता, शक्ति, धन और साधन का अभाव था। क्रांतिकारी इस शर्त पर समझौते के लिए तैयार थे कि मंचू सरकार को समाप्त कर दिया जाए। मंचू सरकार के विकृत स्वरूप और मनोपसंद स्थिति को देखते हुए युआन शिकाई ने क्रांतिकारियों की शर्त स्वीकार कर ली। 22 फरवरी
1912 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। मंचू सरकार को समाप्त कर चीन में गणतांत्रिक शासन की स्थापना की गई और युआन शिकाई को उसका अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार चीन में पुराने राजवंश का अंत हुआ। एशिया में पहली बार गणतंत्र शासन की स्थापना चीन में की गई। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।